बहुत स्वागत है आप सबका। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब प्राइवेट लिमिटेड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। आज जो बजट आया उसमें लेकर हेल्थ को लेकर लोगों की सबसे ज्यादा चिंताएं बनी कोविड के बाद, क्योंकि उसके बाद हेल्थ सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट हो गया, इससे पहले कभी इस पर शायद इतना ध्यान नहीं दिया गया, और हम आम लोग भी उसके लिए कितना बजट एलोकेट होता है, क्या होता है, ये सब इतना महत्वपूर्ण था ही नहीं। लेकिन कोविड के बाद शायद सबने समझा कि हेल्थ सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो वक्त कभी कभार ही आता है, लेकिन वो इतना बुरा वक्त होता है जो हम सबने देखा है कोविड के दौरान। सबसे पहले डॉक्टर मल्होत्रा आपसे कि जो बजट एलोकेट किया गया है हेल्थ के लिए, आपको क्या लगता है ये उतना है जितनी जरूरत थी, अभी इसमें बहुत ज्यादा किया जाना है? डॉक्टर भाटी आपको ये बजट किस तरह का लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि वो उस सेक्टर्स में काम किए गए जिनमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि एलोकेशन होने के बावजूद भी बजट खर्च नहीं होता, ये भी एक बड़ी समस्या रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह पेंडेमिक के अंदर हमने देखा था कि कई चीजों को हमने रियलाइज किया, स्पेसिफिकली अगर ओवरऑल हेल्थ की बात करूं मैं, तो उसमें कुछ कुछ चीजें थी जिनको सरकार ने भी रियलाइज करा कि इन चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है, और उस तरह से हम देखें कि हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने भी रियलाइज किया कि उनके ऊपर काम करना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट जिस तरह से आज के बजट के अंदर आया है कि जो कैपिटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर को जो इंक्रीज किया जाएगा, तो उसको निश्चित तौर पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ओवरऑल, हम अगर भारत के अंदर देखें तो उसमें काफी कमी है, जिसके अंदर चाहे इक्विपमेंट ले लीजिए या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना ले लीजिए, जिन चीजों पे अब इस पे काम होगा। दूसरा जो हमने देखा था सबसे ज्यादा अगर पेंडेमिक के दौरान, कि जो स्किल्ड मैन पावर की कमी थी, सबसे ज्यादा स्किल्ड मैन पावर के ऊपर स्पेसिफिकली, इसीलिए इस वाले बजट के अंदर इस चीज के ऊपर स्पेसिफिकली एम्फेसिस डाला गया है कि जो 157 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, तो जिससे हमारे डॉक्टर्स प्लस पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सिंग स्टाफ का एक बैलेंसिंग हो पाएगा। इसके अलावा जो हम देख रहे थे कि पीपीपी मोड को और बढ़ावा देना, प्राइवेट पार्टनरशिप को और एनकरेज करना, जिसके लिए कि अभी ICMR लैब का आप ये देखिए कि अगर हम कोविड से पहले की बात करें तो ICMR अप्रूवल को कोई बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे, इनफैक्ट हेल्थ केयर सेगमेंट में भी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं था, पर अब जिस तरह से हमने देखा कि हमारी कितनी सारी मॉलिक्यूलर लैब उस तरह से सेटअप हुई है, तो उन मॉलिक्यूलर लैब्स का और ICMR के अंडर उन लैब्स को अप्रूव्ड करा कि उनको रिसर्च के लिए यूज करना, क्योंकि R&D बहुत ज्यादा जरूरी थी। जिस तरह से हमने देखा कि चाहे हमारा वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम रहा हो या और भी किसी भी तरह की चीजों के अंदर, R&D एंड इनोवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, तो इसको भी निश्चित तौर पे काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और इसके अलावा पब्लिक हेल्थ की, जैसा हम देख रहे थे कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम करना बहुत अधिक जरूरत है, जिसके लिए अभी इस बजट के अंदर स्पेसिफिकली प्रावधान दिया गया है सिकल सेल एनीमिया इरिडिकेशन प्रोग्राम को, जिसमें अवेयरनेस के साथ साथ स्क्रीनिंग भी की जाएगी। तो मैं सोचता हूँ ओवरऑल सभी चीजों को इस बजट के अंदर टच किया गया है, जिसके अंदर खास तौर पे हम बात करें चाहे प्रिवेंटिव स्टेप्स हो, चाहे पीपीपी मॉडल हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट हो। और ये जिक्र किया भी गया है डॉक्टर भाटी की जो 2047 तक स्किल सेल एनीमिया है उसको खत्म करने के लिए मिशन की शुरुआत भी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक सिकल सेल एनीमिया कैंपेन, अब ये सब चीजें शुरू हो गई है, अच्छी बात है बिल्कुल, पर जैसा अभी डॉक्टर आयुष्मान भी बता रहे थे, स्पेसिफिकली प्रिवेंशन के तौर पे जो भी हम चीजें बात करें, स्पेसिफिकली हमारी प्रिवेंटिव कैंपेन के अंदर जो हमारी NSDs है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, अभी फिलहाल अगर हम देखें तो वो जो ग्राफ है वो 65% तक पहुंच गया है। हमारा जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो गया, और अब वो जो एज ग्रुप भी है हम देख रहे हैं हमारे यूथ के अंदर सबसे ज्यादा, तो इस पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर आयुष्मान का अग्री करेंगे कि कैंसर का ग्राफ भी हमारा सालों साल बढ़ता जा रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, इनके ऊपर प्रिवेंटिव स्टेप्स हमें ज्यादा लेने की जरूरत है, कि फिलहाल अगर हम वैसे भी अगर ओवरऑल हमारा खर्चा देखें तो 5% के करीब हम प्रिवेंशन के ऊपर खर्च करते हैं और बाकी हमारा बीमारियों पे, ट्रीटमेंट पे और ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के अंदर खर्चा होता है। तो प्रिवेंशन के ऊपर आई थिंक और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, उसको और अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। और जैसा हम R&D के बारे में बात कर रहे हैं, ICMR लैब को जैसा अभी डिस्कशन चल भी रहा था कि हम प्राइवेट
मेडिकल कॉलेजेस के फैकल्टीज को और उनकी R&D टीम को इस्तेमाल करेंगे, और जिस तरह से हमारी ICMR लैब्स है, काफी वेल इक्विप्ड लैब है, तो वो पार्टिसिपेशन से R&D एंड इनोवेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। इसके अलावा भी मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के अभी भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट की रीच बिल्कुल एकदम रूरल एरियाज में है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बट समहाउ कहीं ना कहीं वही जो मैन पावर वाला चैलेंजेस है फिलहाल, वो अभी काफी ज्यादा है कि मशीनें हैं, इक्विपमेंट है, पर उसको चलाने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है, या मशीनें इक्विपमेंट है, लोग है, पर मैनेजमेंट नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो गैप्स है, इसमें मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट पार्टनर्स है उनका पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा हेल्प करेगा उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, उनको ठीक तरीके से रन करने के लिए। और जैसा हम डिजिटल हेल्थ मिशन की भी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले अगर हम टेली कंसल्टेशन की, टेली मेडिसिन की जब बात करते थे कोविड से पहले, तो इतना एक्सेप्टेंस नहीं था, पर कोविड में पेंडेमिक में हमने देखा कि उसका काफी ज्यादा हम लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और उसके जरिए हम सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज को हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज है वहां तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए हमारे साथ। वाकई ये चर्चा बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में आम लोगों का कनेक्ट बहुत होता है, उनको जरूरत बहुत पड़ती है लेकिन वो समझ नहीं पाते। लेकिन बहुत सारी चीजें जो आज समझ में आई हैं, क्या पॉजिटिव है और क्या चीजें होनी चाहिए, जो बजट में जो कमियां रह गई वो सब शायद हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ शामिल होने के लिए थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू।